हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और अगर आपको जानना है कि मैं कहाँ पे हूँ तो वो तो मैं अभी मैं बताऊँगा, बट मेरी जर्नी है कैसे चल रही तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा इस पहले वाला वीडियो। फिलहाल मैं हूँ अभी इटारसी जंक्शन पे और मुझे जिस ट्रेन से जाना था वो तो यार ये अभी निकल रही है। एक्चुअली हम लोग अभी जस्ट 11:30 बजे यहाँ पे पहुँचे हैं, बट हमारे पास टिकट नहीं था इस ट्रेन का, जो कि जनरल टिकट लेना था, बट मैंने ऑनलाइन ट्राई किया था लेकिन टिकट बुक नहीं हो पाया। सो भाई अभी गया है टिकट लेने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 साइड। सो इस वजह से ये ट्रेन हम लोग मिस कर रहे हैं अभी, मतलब पकड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि टिकट नहीं है हमारे पास। तो भाई जैसे टिकट लेके आता है, इसके पीछे एक और ट्रेन आ रही है, अगर वो मिल गई तो हमें जाना है जबलपुर। जबलपुर पहुंचेंगे, सो उसी के लिए भाई टिकट लेने के लिए गया है। फिलहाल मैं आ रहा हूँ डायरेक्ट बेंगलोर से, जो कि आपने लास्ट वाला ब्लॉग देखा होगा, उसमें मैंने सारी डिटेल शेयर की है कैसे मैं आया, कैसे इटारसी पहुँचा। सो इस वाले ब्लॉग में अब मैं शेयर करूँगा कि भाई यहाँ से मुझे घर कैसे पहुँचना है। सो ये ट्रेन तो निकल गई है जो कि पवन एक्सप्रेस है, और इसके बाद आ रही है दानापुर एक्सप्रेस, तो उससे जाना है मुझे, दानापुर एक्सप्रेस से जाना है। बट अगर होपफुली भाई टाइम से आ गया टिकट लेके तब उसमें जा पाएंगे, अदरवाइज मे बी वो भी मिस हो जाएगी। देखते हैं, बाकी ट्राई करते हैं। भाई तो अभी गया है टिकट लेने के लिए, भाई जैसे आ जाता है उसके बाद अपडेट करता हूँ। खाना वगैरह का ऐसा है भाई, खाना वगैरह तो हम लोगों ने खा लिया था। सो अभी ये इटारसी जंक्शन आप देख लो, इटारसी जंक्शन कैसा क्या है। ट्रेन सामने से जा रही है जिससे हमें जाना था, इससे क्या ना हम टाइम से पहुँच जाते। ये निकल गई भाई, ये इटारसी जंक्शन। और मे भी जैसे ये ट्रेन निकली है तो हमारी दूसरी ट्रेन इसके जस्ट पीछे खड़ी है, वो भी आने वाली है, बट उसके पहले भाई टिकट लेके आ जाए तो सबसे अच्छी बात है। भाई वैसे आ गया टिकट लेके, वो आ रहा है, मिल गई, वो निकल गई। वो पवन एक्सप्रेस, वो दानापुर आ रही ना। सो ये टिकट लेके आ गया, अब जैसे ही ट्रेन आती है उसमें चलेंगे। सो हमारी ट्रेन का अनाउंसमेंट हो गया है और ट्रेन आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे। अभी तो हम लोग 4 पे खड़े थे क्योंकि पवन एक्सप्रेस यहाँ पे खड़ी थी 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे। सो अभी चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे और देखते हैं भाई आज का सफ़र कैसा होने वाला है। वैसे पूरी रात सफ़र करने वाले हैं, वैसे इतना मैं टायर्ड तो नहीं हूँ क्योंकि हम लोग जिस ट्रेन में आए हैं उसमें ज़्यादा क्राउड नहीं था, तो कोई दिक्कत नहीं हुई, आसानी से आ गए। बट आगे देखते हैं अब कैसा सफ़र रहेगा। अनाउंसमेंट उसी का हो रहा है हमारी ट्रेन का। ये यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे आ गई है हावड़ा बॉम्बे, ये यहाँ पे हो रही है खड़ी। ये हावड़ा से आई है, अभी जाएगी मुंबई, मुंबई जाएगी, हावड़ा से आई है मुंबई जाएगी। तो अपनी ट्रेन आ गई है, ये है भाई दानापुर एक्सप्रेस, दानापुर सुपर फास्ट एक्सप्रेस। इसमें ना आए जगह, इसमें ना जा पाएंगे। इसमें तो ना हो पाएगा भाई, इसमें ना जा पाएंगे जनरल में। एसी आ गया, चलो स्लीपर ही चलो। तो भाई प्लान हुआ कैंसिल हमारा, एक्चुअली जनरल में तो नहीं जा पाएंगे, भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि हम स्लीपर में जाएं और वहाँ जो भी एक्स्ट्रा चार्ज होगा वो हम पे कर देंगे भाई, और क्या करें। एक्चुअली क्या है ना, आगे भी बस में काफ़ी ज़्यादा भीड़ मिलने वाली है, तो इसलिए अभी स्लीपर में चलते हैं। चलो भाई। तो अभी हम लोग आ गए हैं स्लीपर के अंदर, और भाई स्लीपर की हालत ये है यहाँ पर, ऐसे भरा हुआ है, टिकट तो अवेलेबल ही नहीं है। जब स्लीपर में ऐसी हालत है तो जनरल में तो कोई चांस ही नहीं बनता बैठने का। कोई नहीं, अपन को तो भाई 3 घंटे जाना है, मे बी 3 बजे तो 3:30 बजे ट्रेन पहुंचा देगी जबलपुर, तो वहाँ पे उतर जाएंगे। बट ये लोग काफ़ी दूर से आए हैं इसी हालत में, तो इस हिसाब से ट्रेन और एक्स्ट्रा होनी चाहिए फेस्टिवल के टाइम पर मे बी।
क्योंकि फेस्टिवल के टाइम पर अगर ट्रेन एक्स्ट्रा नहीं होगी तो लोग ऐसे सफ़र करेंगे। ट्रेन यहाँ से निकल गई भाई, टाइम 12 बजे है पूरे, 12 बजे निकली है, समथिंग 10-15 मिनट का यहाँ पे स्टॉप था और भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। सतीश वहाँ पे खड़ा है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे साथ साथ तो काफ़ी सारे लोग खड़े हैं। ये हाल भाई स्लीपर का है, यहाँ सारे स्लीपर जितने भी वो भी स्लीपर यहाँ पे लगे हैं, सभी में ऐसे ही क्राउड है ज़्यादा, काफ़ी सारी भीड़ है। बंद करो, बंद करो बे, बंद करो यार, रात के टाइम में खराब थी। थोड़ी सी जगह मिल गई है बैठने की तो यहाँ पर बैठ गया, बट जो भाई लेटा हुआ है ना, इसकी सीट है, बीच बीच में सोते हुए पैर मार रहा है और याद दिलवा रहा है कि भाई ज़्यादा कब्जा मत करना, ये तुम्हारी सीट नहीं है। सो ये तो मजाक था वैसे, तो अभी यहाँ पर बैठा हूँ, सतीश भी वहाँ पर बैठ गया, तो मैं भी धीरे धीरे अपना टाइम निकल जाएगा। समथिंग अभी कितने 1 बज गया और इसके पहुँचने का जो टाइम है वो 3 बजे का है। अब देखता हूँ कितने बजे तक ट्रेन पहुँचती है, बाकी भाई भीड़ तो ऐसी है, बाकी यार लोग कैसे भी करके इधर उधर एडजस्ट होके थोड़ी सी भी जगह बना रहे हैं कि भाई थोड़ी सी नींद लग जाए और उनकी जो थकावट है वो उतर जाए, बट जगह नहीं है, क्या कर सकते हैं। थोड़ा यार गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस बारे में कि फेस्टिवल के टाइम पर एक्स्ट्रा ट्रेन चलानी चाहिए, जिससे कि आने जाने में लोगों को यार सहूलियत हो, मैं तो यही बोल सकता हूँ। तो अभी बैठे हैं भाई, वेट कर रहे हैं जबलपुर आने का, समथिंग 3 बजे आएगा स्टेशन, और ये सब देख के मुझे अपना जो बैग है पास्ट वो याद आ रहा है, समथिंग 7-8 साल पहले जब मैं दिल्ली जाता था तो भाई ऐसे ही जाता था, वो भी मैं तो इससे भी बदतर, मतलब ये जो सीट है ना इसके नीचे टावल वगैरह या चादर वगैरह बिछा लेता था और सो जाता था, सीधा उठता था दिल्ली, मेरे ऊपर मतलब पैर वैर रख के लोग निकलते रहते थे, अब क्या करें भाई ऐसा था। बट मैं काफ़ी दिन बाद ऐसे मैंने देखा ना, तो भाई थोड़ा सा मुझे अजीब लगा कि अभी भी देखो वही हालत है, कुछ भी नहीं बदला, अभी भी वही हालत है, खासकर जो ट्रेन बिहार जाती है ना उनमें तो और ज़्यादा ही हालत ख़राब है भाई। सो खैर अपन क्या ही कर सकते, मैं तो ये सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर ही कर सकता हूँ। बाकी आप लोग बताइए कि गवर्नमेंट को भाई एक्स्ट्रा ट्रेन चलानी चाहिए या नहीं चलानी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं चला रही होगी गवर्नमेंट, चला रही होगी, चलाते हर बार फेस्टिवल पे, बट और भी एक्स्ट्रा चला सकते हैं, मेरा यही कहना है। भाई फाइनली भाई ने उठा ही दिया, अब मैं यहाँ पे बीच में सेटल हो गया, एक बाल्टी रखी हुई है तो उस पर बैठा हूँ, क्या करें अभी। वैसे टाइम ऑलमोस्ट 1:30 बजने वाला है, तो 1.5 घंटे का और सफ़र है, तो अब यहाँ पे बैठ के काटेंगे और क्या करेंगे। सो भाई ऑलमोस्ट अपनी ट्रेन पहुँचने वाली है समथिंग 10-15 मिनट में, अभी टाइम 2:38 हो गया, सो अभी टाइम दिखा रहा है समथिंग 2:57 या मतलब 3 बजे तक पहुँच ही जाएगी ट्रेन। सतीश तो भाई नीचे ही सो गया, उसको नींद आ रही थी, देखो ये यहाँ पर सो रहा है। सो मैं अभी यहाँ पर बैठा हूँ, हमारे बैग अलग अलग लोकेशन पर रखे हैं, तो मैं जगाता हूँ सतीश को, बैग वगैरह कलेक्ट करें, उसके बाद निकलते हैं भाई जबलपुर में उतरेंगे। तो हमारा स्टॉप बस आने ही वाला है, 2-5 किलोमीटर रह गया है और 2:49 हो गए, टाइम से पहले ही 5 मिनट पहले पहुँचने वाली है। आ गया अपना तो स्टॉप, क्या होता है इससे वीडियो बनता है। भाई अपनी ट्रेन यहाँ पे पहुँच गई 3:04 पे, ऑलमोस्ट 10 मिनट लेट हो गई, बट कोई नहीं अपन सही से पहुँच गए, काफ़ी सारी भीड़ थी बट कैसे भी करके भाई एडजस्ट कर करके आ गए।
सतीश तो वहीं ट्रेन में लेट गया था, बट मैं बैठे बैठे आया। अब यहाँ से हमें जाना है बस स्टॉप, जो कि ISBT करके है बस स्टॉप, यहाँ वहाँ पे जाना है। वहाँ से देखना है कोई बस जो कि हमें दमोह या फिर डायरेक्ट हमारे जो गांव, हमारा जो गांव है उसके आसपास वो बस छोड़ दे। बट देखते हैं कि अभी क्या आगे हमें साधन मिलता है, क्योंकि रात का यहाँ से भी अभी कोई आइडिया नहीं भाई कि बस कोई जाती है तो वो कितने बजे जाती, क्योंकि इसके पहले जितनी बार भी मैं आया हूँ अगर बस से गया हूँ तो या तो डायरेक्ट मैंने नागपुर से ली है या फिर मैंने डायरेक्ट भोपाल से, बट जबलपुर से मैंने बस नाइट में, मेरे हिसाब से तो मेरे ध्यान में नहीं कि मैंने कभी ली। सो चलते हैं, सतीश तो पीछे पीछे आ रहे हैं और थोड़ी थोड़ी भूख भी लगने लगी है, बट चल के देखते हैं। हाँ, ये है चमकता धमकता जबलपुर का रेलवे स्टेशन। अगर इसका आपने वीडियो नहीं देखा तो मैंने इसको डिटेल में बनाया है, एक वीडियो है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा, आप उसमें उसका वीडियो देख सकते हो। सो मैं पहले भी यहाँ पे आया हूँ तो मैंने इसका एक वीडियो बनाया था प्रॉपर। बाकी आज मैं बाहर से फिर भी दिखा देता हूँ कैसा क्या लगता है। ये है भाई जबलपुर का रेलवे स्टेशन, जबलपुर जंक्शन, जो कि काफ़ी खूबसूरत है बाहर से देखने में। और अभी टाइम तो वैसे भाई 3:07 हो गए। अभी तो चलते हैं यार, क्योंकि जल्दी निकलना है बस स्टॉप के लिए, वहाँ से बस भी पकड़नी है। और कोई ऑटो वाला भी सही से रेट लगा दे, वो हमें सही से छोड़ दे। वैसे अभी कुछ लाइटिंग वगैरह यहाँ की नहीं जल रही, नहीं तो ये जो ट्रेन का डब्बा रखा है ना ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, अच्छा लगता ना बाहर से। क्या बोलना चाहोगे आज के सफ़र के लिए? बहुत अच्छा सफ़र मज़ा आया ट्रेन में है? रिक्शा नहीं, हमें तो ऑटो चाहिए भैया। देखते हैं वहाँ से बस मिल रही है नहीं मिल रही। बस तो मिलेगी बट थोड़ा लेट ही मिलेगी, मे बी एट अ टाइम पे मिल जाए तो अच्छी बात है। सो भाई हम लोगों को बस मिल गई है, बस में बैठ गए हैं। वो अभी एक सबसे लास्ट का जो छोटा सा केबिन है यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे सतीश बैठा है, यहाँ पे मैं बैठा हूँ, मैं शायद दिख रहा नहीं दिख रहा। ये है बस स्लीपर। सो अच्छी बात है कि भाई हम टाइम से पहुंच जाएंगे दमोह, और इसके बाद जो बस मिलेगी ना वो हमें लगी हुई मिल जाएगी हमारी लोकेशन के लिए। सो अभी हम समोसा लेके आए थे, वो आपने शॉप देखी होगी उससे, सो समोसा खा लेते हैं। थोड़ी दाल ना गिरे ना भाई, इतना ध्यान बैलेंस बन के डाले भाई। ये लाए थे हम करारे समोसे, गरम गरम खा रहे हैं चटनी नहीं डाल तो भाई अब दूसरी बस में बैठना है। ये है तो
अभी यार मैं हटा पहुंच गया हूं और भाई 6:20 हो गए हैं। तो हम लोग मीन्स जैसे जबलपुर में उतरे, बस वहीं पे खड़ी थी, बस में बैठे, पीछे वाली सीट मिल गई तो सीट में बैठ के हम लोग दमोह पहुंच गए थे समथिंग उस वाली बस वाली सीट में बैठ के गए बस में बैठ के समथिंग सुबह 5:30 पे ऐसे कुछ बस पहुंच गई थी दमोह, और जस्ट फ्रंट में ये वाली बस खड़ी हुई थी। सो इस वाली बस में बैठे और आ गए हटा। अभी समथिंग यहाँ से 35 किलोमीटर और दूर है मेरा गांव, सो अभी जाना है भाई। बाकी बारिश हो रही है ऊपर से, आप देख लो नीचे कैसा है। सो चलते हैं, बैठते हैं बस के अंदर। भाई ये खड़ी है बस और पूरा कीचड़ हो रखा है नीचे तो, लेकिन यहाँ तो ऐसे ही रहता है भाई गांव वगैरह साइड। तो भाई बस देखो। सो यार मैं अच्छे से घर पहुँच गया, और घर पहुँच गया था सुबह समथिंग 7 या 7:30 बजे, और जब आया था तब तो बारिश हो रही थी, अभी तो 10 बज रहे हैं। सो ये जो ट्रेन का वीडियो है इसको यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में दिखाऊंगा कि भाई घर पे कैसा क्या काम लगा है। सो वो अगले वीडियो में आपको पता चलेगा। सो इस वाले वीडियो को यहीं तक रखते हैं, होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।